नहर किनारे वुजू कर रहे थे कि पानी के बहाव पर एक सेब बहता हुआ आया। भूख पहले ही लगी थी, सेब को देखा तो इश्तिहा गालिब हो गई, सेब उठाया और खा लिया। जब खा चुके तो मान ख्याल आया कि ये तो मेरा था ही नहीं, तो जिधर से पानी आ रहा था, बहाव जिधर से था, उधर को सफर शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद देखा कि एक बाग है और उसमें सेब के दरख्त हैं और उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई। मालिक के बाग के पास गए, कहा कि आपके बाग का कोई टूटा हुआ सेब और मैं खा बैठा हूँ, तो उसकी कीमत मुझसे ले लीजिए या मुझे माफ़ कर। तो मालिक के बाग का नाम था अब्दुल्ला सोमई और वो भी जाहिद नेक और पारसा थे। जब उन्होंने देखा कि इस नौजवान ने सेब खाने पर मुझसे माजरत की है या पैसे देने के लिए तैयार है, ये तो कोई जौहर है, कहा 12 साल मेरे बाग की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद एक शर्त और है, पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर। कहा ठीक है, 12 साल नौकरी करते रहे। कहा अब दूसरी शर्त है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, जुबान से बोल नहीं सकती, अपाहज भी है, चल नहीं सकती, उसके साथ तुम्हें निकाह करना हो। कहा यह भी मंजूर है, निकाह हो गया। कहा उस कमरे में तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही। जब कमरे में देखा तो एक सहील आजा खूबसूरत साहिब जमाल खातून मुंतजर थी। समझा गलती लग गई है, वापसी जल्दी से पलटे और इतनी तेजी से पलटे कि दरवाजे की चौगाट के साथ सर लगा और सर फट गया और खून बह रहा, वापस आए तो शेख अब्दुल्ला सोमई कहने लगे कि क्या माजरा हुआ। कहा कि वो कोई और खातून है, जो नक्शा आपने बताया था वो तो नहीं है। कहा वही मेरी बेटी है और आपकी बीवी है, वो बहरी इसलिए है कि आज तक उसके कानों ने गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, वो नाबीना इस तरह है कि आज तक उसने गैर महरम की शक्ल तक नहीं देखी, अपाहज इसलिए है कि वो गैर महरम के लिए कहीं चल के नहीं। इसी तरह बाकी जो चीज़ें बताई थी उनकी ताबीर बताई। कहा वही तुम्हारी बेटी। अब्दुल्ला सोमई की उस बेटी जिसका नाम उम्मुल खैर था और शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त की बीवी, तो ये साले नौजवान और ये सालेहा खातून निकाह की बंधन में बंध गए। अल्लाह ताला ने फिर इनको एक फर्जंद अता किया, उस फर्जंद का नाम अश्शेख अस्सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान था। इकबाल ने कहा था, सीरत फर्जंद अज उम्महात, जौहरे सिदको सफा अज उम्महात, बेटों की बेटियों की सीरतों का जौहर माओ से होता है। बाप का रिस्क हलाल औलाद पे असरअंदाज होता है। रिस्क हलाल अगर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए तो फिर उसका अमली नतीजा ये है कि एक साले मुआशरत की बुनियाद पड़ती है और आप साले मुआशरत के एक बेहतरीन फर्द होते हैं। जिस तरह रिस्क हलाल नस्लों में सरायत करता है उसकी बरकत, इसी तरह सच्चाई अगर किसी मुआशरे के अंदर पैदा हो या किसी फर्द के अंदर पैदा हो तो सच अपना रास्ता बनाता है। अगर आपकी जुबान सच नहीं बोलती और आप हलाल रिज़्क नहीं खाते तो फिर आप जितने मर्जी नफल पढ़ें, जितनी मर्जी इबादतें करें, अल्लाह के कुर्बत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। निजात का रास्ता यह है कि हम इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाजम कर लें। तो हम अमूमी तौर पर रस्म परस्त हो जाते हैं, रूहें हमसे रुखसत हो जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी रूहें ख़त्म हो जाती हैं और उनकी रस्में बाकी रह जाती हैं, और ये हमारा अलविया है शुरू से। बल्कि इकबाल ने कहा कि पूरा दीन ही जो है वो हमने रस्म रख लिया हुआ है, उसकी रूहें हमसे रुखसत हो गई है। रह गई रस्में अजां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराब व मिनल हुदा, एक वक्त आएगा कि कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर बाकी रह जाएगा और जो है वो इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। मस्जिदें जेबो जीनत के लिहाज से तो आबाद होंगी, बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार होंगे, गुंबद अच्छे होंगे, कालीन अच्छे बिछे होंगे, दीवारें मुनक्कश होंगी, ये सब कुछ तो होगा लेकिन नमाजियों से खाली हो जाएंगे।